हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ आगरा अपने साथ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या पागल वाली बात कह रहा है, यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और आगरा लेके जा रहा है। एक्चुअली हम लोग गए थे आगरा 1 फरवरी को, उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मैंने अंशु को एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया था, मैं उसको बिना बताए आगरा लेके गया था और वहाँ पर हम लोगों ने ताजमहल और एक दो मॉन्यूमेंट्स देखे थे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जुड़िए मेरी इस जर्नी में मेरे साथ और लेट्स गो टू आगरा टू सी द फेमस ताजमहल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और आज है 1 फरवरी 2020 और आज हमारी शादी की सालगिरह है, इट्स आवर मैरिज एनिवर्सरी डे। और आई एम गोइंग टू गिव अंशु अ सरप्राइज। उसको पता नहीं है कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, मतलब उसको आइडिया है कि हम लोग कहीं, मैंने उसको बोला कि सोना के पास एक रिजॉर्ट है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर गोइंग टू आगरा। और आई सेड टू हर कि थोड़े एक दो कपड़े पैक कर लेना, बस ज़्यादा मत रखना। सो इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग नाउ और अभी हम लोग निकलेंगे आगरा के लिए। सो मैं रास्ते में इस ब्लॉग को नहीं बना पाऊंगा, वरना जो है सरप्राइज जो है वो आप समझ रहे हो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, बिकॉज अगर मेरे मुंह से आगरा का नाम निकल गया तो उसको सब पता चल जाएगा। तो सी यू गाइज एट आगरा, बाय। Shall we begin? सो गाइज, वी हैव फाइनली रीच्ड आगरा और अब तो अंशु को पता चल गया है कि आगरा आए हैं। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? ताजमहल अभी तो उधर है। अभी रुको तो उधर सही, एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ये देखो। तुमने यहाँ बुकिंग की है क्या? हाँ, बुकिंग की है। सो दिस इज द होटल रेडिसन ब्लू। गो फॉर चेक इन, तुम बैठो उधर, मैं चेक इन करके आता हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ लव। अब हम जा रहे हैं ताजमहल के लिए और अंशु को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ कैसे पहुंच गए। कह रही है तुम यहाँ के ले आए, यहाँ क्यों ले आए? नहीं, और कह रही थी मैं बोल रही हूँ कि मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि तुम यहाँ लेकर आओगे, बट ये नहीं था क्योंकि हम काफी टाइम से आने की सोच रहे थे आगरा ना, तो बट हम ना ऐसे 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 तो सही रहा ना, ये अनप्लैंड हो गया ना, हम आ ही नहीं पाए, सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते थे। अभी अनप्लैंड से हम एकदम पहुंच गए। चलो गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर, चलते हैं ताजमहल के लिए। तो हम पहुंच गए हैं ताजमहल के ईस्टर्न गेट पे और यहाँ पे ये मार्केट बना हुआ है जहाँ पे काफी सारी चीजें मिल रही है, मार्बल्स की, हैंडलूम, लेदर आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट, काफ़ी सारा सामान मिल रहा है और यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे जो आपको पैसे मांगेंगे और बोलेंगे कि आपको जो है बिना लाइन में लगाए अंदर ले जाएंगे। सो इट्स अप टू यू, आप लोग उनके साथ जाना चाहते हैं या खुद ही अंदर जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ से हम टिकट ले लेते हैं, पहुंच गए हैं यहाँ, ये टिकट काउंटर है मेरे पीछे, तो टिकट ले लेते हैं पहले। टिकट पे एक्चुअली बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और हम तो आए 2 बजे, तो टिकट की लाइन से बचने के लिए मैंने एक थोड़ा सा काम किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो जहाँ टिकट की लाइनें लगी हैं उसके पास में 2 बोर्ड रखे हैं जिसके ऊपर एक QR कोड है। अगर आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे कर सकते हैं और बिना लाइन में लगे हुए आप अपनी टिकट ले सकते हैं। तो मैंने उसी से पे की और आपको जो है ना उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो इट्स अ बेटर डील, एक तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और दूसरा QR कोड स्कैन करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके फ़ोन पे ही जो है वो QR कोड आ जाएगा, तो उसको आप स्कैन करा के और अंदर जा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ईस्ट गेट की तरफ और ये ताजमहल की एंट्री है मेरे पीछे, दिस इज द एंट्री ऑफ द ताजमहल, जहाँ पे QR कोड स्कैन कराना है। ये है
ताजमहल की एंट्री। और अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सामान लाएं तो उसको यहाँ रखने के लिए भी क्लॉक रूम है। और ये है एंट्री, दिस इज द एंट्री प्लाजा ऑफ द ताजमहल। तो अभी एंट्री का प्रोसेस पूरा करते हैं और फिर अंदर। सो गाइज, वी हैव क्लियर्ड द सिक्योरिटी चेक्स और अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल। और ये हम एंट्रेंस है ताजमहल का जिससे एंट्री कर रहे हैं। और ताजमहल जो है ये अपने बनने के बाद से लगातार टूरिस्ट के बीच में एक बहुत ही हॉटस्पॉट था। और धीरे धीरे ये थोड़ा सा ना इसमें जो है सब कुछ थोड़ा ख़राब भी हो गया था। इट हैज़ बीन द स्टोन्स एंड वेदर्ड। तो उसके बाद काफ़ी सारा कंजर्वेशन का प्रोसेस यहाँ पे किया गया है, मुल्तानी मिट्टी से लेके कई सारी चीज़ों को लगा के, और काफ़ी सारा कंजर्वेशन का काम यहाँ पे किया गया है जिसकी वजह से अब ये इसकी प्रेजेंट स्टेट है वो इट इज़ सर्टेनली अ बिट बेटर। बीच में जो मथुरा रिफाइनरी थी उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो पॉल्यूशन की वजह से। और ख़ास तौर पे जो मेन बिल्डिंग है दैट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, मगर उसके आसपास का जो सब कुछ है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ जो है वो काफ़ी ज़्यादा विदर होता है। तो उसको बचाने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट जो है अभी काम कर रही है। और राइट बिहाइंड मी नाउ दैट इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द ताजमहल। सो लेट्स गो इनसाइड नाउ। सो वी आर एट द मेन एंट्रेंस गेट, हम लोग मेन एंट्रेंस गेट पे हैं। और ताजमहल के बारे में तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा, बट फिर भी बता देंगे कि ताजमहल इट वाज मेड इन अराउंड 1648 में ये कंप्लीट हुआ था, और 1612 में शाहजहां की शादी मुमताज़ महल से हुई थी जो उनके एक वज़ीर की पोती थी आई सपोज, है ना? और है बेटी थी पोती थी, चलो जो भी है बेटी या पोती थी। और उसके बाद 1631 में when she was giving birth to her 14th child, जब 14वें अपने बच्चे को वो जन्म दे रही थी, तो उस टाइम 1631 में वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनका मकबरा यहाँ बनाने का काम शुरू हुआ था और 1648 में ये कम जाके पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हुआ था। और 1666 में जब शाहजहां की डेथ हुई तो उनकी बॉडी भी यहीं उनकी बगल में दफना दी गई है। तो अंदर दो बॉडी दफन है, भूतियाँ घूम रहे हैं। क्यों क्या पता हो सकते हैं। सो चलो अब अंदर चलते हैं ताजमहल में। ये ताजमहल की छोटी सी मतलब दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की 1612 में उनकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए। क्या बोला क्यों भूत? अरे आई मीन टू से कि भाई अब अच्छा कोई आ सकता है रात को यहाँ? तुम आ जाओगे अकेले यहाँ रात को? तो फिर मैंने मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी है कि भूत है, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हो तो यू नेवर नो कि कब आपको क्या मिल जाए यहाँ पे। चलो भूत वाली बात है तो काट देते हैं भैया, भूत वाली बात को भूल जाना। यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, अंशु को बुरा लग गया भूत। चलो नाउ लेट अस गो इनसाइड। दिस इज द मेन एंट्रेंस और इधर से हम आए, दिस इज द ईस्ट गेट जो एंट्री गेट है वो सामने साउथ एग्जिट गेट, और इधर ये वेस्ट एंट्री गेट। तो ये तीन गेट हैं और नॉर्थ साइड में ये मेन एंट्रेंस है और इसके अंदर से हमें दिखाई देगा ताजमहल। सो देयर इट इज, वो सामने वाइट ताजमहल है। दिस इज द मैप ऑफ द ताजमहल। ताजमहल परिसर में पर्यटकों के भ्रमण हेतु रूपरेखा, इसमें बेसिक चीज़ें हैं तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं सारे गेट्स और किस जगह का क्या नाम है। सो दिस इज द वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट ताजमहल, और प्यार का प्रतीक है ताजमहल, आगरा की शान, भारत की शान। ये मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ताजमहल कंस्ट्रक्शन। और ये जो है एक, इसका नाम है मेहमान खाना, और ये ताजमहल के जो है ईस्टर्न पार्ट में बनी हुई है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ऐसी ही सेम बिल्कुल डिट्टो ऐसी एक
जो बिल्डिंग है ये ताजमहल के वेस्टर्न पार्ट में भी बनी है। जो वेस्टर्न पार्ट में बनी है वो मस्जिद है, और जो ईस्टर्न पार्ट में बनी है इसको हम मेहमान खाना बोलते हैं। ये मेरे पीछे ये वो बिल्डिंग है पूरी, इसके तीन डोम हैं इसके ऊपर वाइट कलर से, संगमरमर के डोम है, और ये बिल्डिंग जो है रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, और ये ताजमहल है बीच में, और इसके जस्ट इसके बैक साइड में पीछे एक और ऐसी बिल्डिंग है। दैट बिल्डिंग वो जो ताजमहल के उस तरफ है वो मस्जिद है, और ये मेहमान खाना है। तो दीज आर जस्ट फॉर प्रेइंग। यहाँ पे फ्राइडे को जो है ताजमहल बंद रहता है, वो इसी वजह से रहता है बिकॉज मस्जिद में जो है नमाज होती है। और इसमें एक अलग, सभी मस्जिदों से अलग एक चीज़ इस मस्जिद में है, वो ये है कि इसमें आई रेड इट समवेयर कि जो मस्जिद होती हैं उनमें एक देर इज़ सम मेहराब, समथिंग कॉल्ड मेहराब, जो कि पॉइंट करता है पवित्र काबा की डायरेक्शन को, वो हर मस्जिद में होता है। और यहाँ पर इस मस्जिद में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही इसमें जो है कोई कुरान की आयत वगैरह लिखी हुई है। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, इस मस्जिद में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जो मेन मॉन्यूमेंट है उसके तरफ चलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लगातार जो है इसको, इसके पुनर्निर्माण का कार्य जो है चलता रहता है, और ये आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, अभी भी जो है इसका पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। जो भी पोर्शन थोड़ा डैमेज हो जाता है या पत्थर है, ये इतने सालों से, कब से लगा हुआ, इतनी इट्स बीन मोर देन 400 ईयर्स नाउ कि ये पत्थर लगा हुआ है, तो इसमें धीरे धीरे ये विदर होने लगता है, पत्थर डैमेज होने लगता है, तो उसको वो मुल्तानी मिट्टी से और कई चीज़ों से जो है उसको रिपेयर करते रहते हैं। रिपेयरिंग का काम इसमें चलता रहता है। ये हम इस टाइम है ताजमहल के बैक साइड में, और हमारे साइड में ये है रिवर यमुना, दिल्ली से हमारे साथ साथ ये भी यहाँ तक पहुँच गई, मतलब हम इसके साथ पहुँच गए, और ये इलाहाबाद जाके गंगा में मिल जाएगी। और वो अपोजिट साइड में दैट इज मेहराब गार्डन आई थिंक, वो सामने मेहराब गार्डन है जो अपोजिट साइड में है, उधर वो सामने, उधर पीछे मेरे, और इधर वहाँ पीछे वहाँ दैट इज द रेड फोर्ट, यहाँ का आगरा का किला, आगरा किला है वो उधर सामने वहाँ,